सबसे प्यारा होता है एक दिन. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. अभिनेत्री रश्मि पित्रे ने मुंबई स्थित स्टूडियो में केक काट कर अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया. आपको बता दूं कि एक्टिंग के साथ साथ पेंटिंग और पोएट्री में भी अपना नाम कमा चुकी हैं. और मौका हो जन्मदिन का तो ऐसे में भी रश्मि पित्रे के केक के साथ साथ कई पेंटिंग इस मौके पर नजर आई. इस खास मौके पर क्या कुछ कहना था अभिनेत्री रश्मि पित्रे का, देखिए मुंबई से खास. रश्मि न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है. आज है हमारे साथ रश्मि पित्रे, जो कि आज क्रिसमस का मौका भी है और उनका जन्मदिन भी है. विश यू हैप्पी बर्थडे रश्मि. थैंक यू वेरी मच. तो आज आपका बर्थडे है और क्रिसमस भी है, तो दोनों कैसे एक साथ कि क्रिसमस का भी गिफ्ट और फिर बर्थडे का भी गिफ्ट, तो फिर वो थोड़ा आई नो. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी क्रिसमस आता है, क्योंकि मेरा जन्मदिन क्रिसमस पे होता है, तो मुझे आई फील रियली लकी. मुझे लगता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि इस दिन मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि क्रिसमस हमारे लिए इतना खास है, ना कि सिर्फ सेलिब्रेशंस के लिए, लेकिन ये भी क्योंकि बिकॉज ऑफ सेंटा क्लॉज, एंड सेंटा क्लॉज इज साइन ऑफ गिविंग. तो मुझे भी काफ़ी आई लाइक द एक्ट ऑफ गिविंग, जिसकी वजह से देयर इज लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे जुड़ी हुई, हमें बहुत अच्छा फील होता है. तो ये आर्ट ऑफ गिविंग भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है इसकी वजह से, बिकॉज आई एम बॉर्न ऑन क्रिसमस एंड आई फील दैट आई शुड डू वट एवर आई कैन डू फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. तो अपनी तरफ से मैं थोड़ी बहुत कोशिश करती रहती हूँ हर क्रिसमस पे, एटलीस्ट द मंथ ऑफ दिसंबर एंड ऑल थ्रू आउट द ईयर. तो मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगी, द आर्ट ऑफ गिविंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. जैसे कि हम आपके पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी जो कलरफुल है, ट्री है, पेंटिंग है, और ये जो लैम्प है, आपने खुद, जैसे कि हम जानते हैं कि आपको ये अवार्ड भी मिल चुका है इसके लिए, तो आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो बताएं कि आपने कैसे क्या किया हुआ इसके लिए. ओके, तो एज यू ऑल नो कि मैं आर्टिस्ट हूँ, आई एम अ पेंटर एंड अ पोएट एंड एन एक्ट्रेस. लेकिन मैं अपने पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगी, जैसे कि आपने मुझे पूछा. तो बचपन से ही मैं इतने पेंटिंग्स बनाती हूँ, मैंने काफ़ी सारे एग्जीबिशंस कर रखे हैं इंडिया में, कैनेडा, यूएस में, काफ़ी सेल हो चुके मेरे पेंटिंग्स. तो मुझे बहुत ही खुशी होती है जब क्रिसमस आता है, तो मैं क्रिसमस के लिए मैंने ये पेंटिंग बनाई है जो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, और ये भी पेंटिंग बनाई है. और क्योंकि मुझे क्रिसमस बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं क्रिसमस ट्री ज़रूर डेकोरेट करती हूँ. तो दिस इज़ माई क्रिसमस ट्री, और मैं सबको दिखाना चाहूँगी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें इस पे लगी हुई है, तो मैंने बड़े शौक से लगाई है. आई होप यू ऑल विल एंजॉय इट. और उसके लिए मैंने ग्लोबल एडवर्टाइजर्स स्केलिंग न्यू हाइट्स इन आउटडोर मीडिया.